खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां सेक्टर एक स्थित अग्रसेन भवन में दानवीर भामाशाह ट्रस्ट द्वारा काव्य स्पंदन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के विभिन्न जिलों से आए कवियों ने अपनी कविताओं से बोकारो के श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस कवि सम्मेलन में रांची से शायर दिलशाद नजमी, युवा गीतकार नितेश मिश्र, गजलकार स्नेहा राय और साथ ही धनबाद से लोकप्रिय कवि व मंच संचालक अनंत महेंद्र विशेष रूप से आमंत्रित थे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक दानवीर भामाशाह ट्रस्ट के अध्यक्ष दीप प्रसाद ने आयोजन समिति से किए गए शानदार व सफल आयोजन की प्रशंसा की। हम लोगों ने काव्य स्पंदन कवि सम्मेलन का एक आयोजन किया है। यहाँ के जो स्थानीय कवि हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने आयोजित किया है। दानवीर भामाशाह ट्रस्ट है धनबाद का, उसके थ्रू इसमें हम लोगों ने रांची से, धनबाद से, बोकारो से कवियों को शामिल किया है। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो स्थानीय कवि हैं उनका जो है एक मंच प्रदान किया जाए और यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं उनको हम लोग आगे आगे लेके जाएं। हम लोग का ये जो है प्रयास है और सबका सहयोग लेते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को आगे भी जो है जारी रखें। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां जिले के टंडवा प्रखंड में राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दौरा किया। प्रखंड कार्यालय परिसर में पारंपरिक तरीके से स्वागत पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंत्री ने सरकारी परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जनकल्याणकारी 46 योजनाओं को विभागीय समन्वय बनाकर योग्य लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरीब असहाय के बीच श्रम मंत्री द्वारा कंबल का भी वितरण किया गया। अमरोहा के गजराला क्षेत्र के गांव तिगरी में कक्षा 5 के छात्र की हत्या कर दी गई और शव को मंदिर के एक कमरे में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक छात्र के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत गांव तिगरी में एक बच्चा राहुल पुत्र गरीबदास, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, ये दिनांक 6/1/2023 को समय लगभग 6:30 बजे शाम को अपने घर से खाना खाने के उपरांत लापता हो गया था, जिसको इसके परिजनों द्वारा तलाश किया गया किंतु नहीं मिला। तदुपरांत दिनांक 7/1/2023 को इसके परिजनों द्वारा थाना गजरौला पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी इसकी गुमशुदगी संबंध में, जिस पर तत्काल ही अभियोग अपराध संख्या 17/2023 अंतर्गत धारा 363 IPC दर्ज करते हुए इसकी छानबीन शुरू की गई। आज प्रातः करीब 11 बजे यह बच्चा गांव में एक प्राचीन धर्मशाला के एक कमरे में इसका शव मिला है। शव को तत्काल ही कब्जे में लेकर पंचातनामे कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम में तो भेजा गया है। मृत्यु के कारणों की विशेष रूप से जाँच की जा रही है। जैसे भी तथ्य पंचातनामा के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वे अन्य विवेचना में आएंगे, तदो अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार की शाम बिहार के भागलपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों के साथ आम जनता में भी उत्साह का माहौल नजर आया। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने की तैयारी में जुट गई है। कार्यक्रम के तहत हर वर्ग और हर धर्म को यात्रा के सूत्र में बांधने की कवायद की जा रही है। वहीं सर्वधर्म संभाव का संदेश देने के लिए यात्रा धार्मिक स्थलों की ओर भी रुख कर रही है। देखिए, कांग्रेस जो कुछ महसूस कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन भारत की जनता की ये जरूरत आज आ पड़ी है कि उनकी एकता कायम हो, चाहे वो विभाजन जाति को लेकर हो, चाहे वो विभाजन संप्रदाय को लेकर हो। ये भारतीय जनमानस की आकांक्षा है कि अगर हम जाति और संप्रदाय, लिंग और क्षेत्र, भाषा, इन सारे विभेदों से बाहर नहीं निकल पाए तो हम दुनिया के इतिहास में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो ये जो एक जनता की आकांक्षा है वो एक तरह से उभार पा रहा है, और इस मामले में हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा कदम किया है और ये लोकतंत्र को ताज़ी हवा दे रहा है। आज चौथे दिनों की यात्रा का विश्राम यहाँ है। परवेश जी भागलपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था की, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सभी साथियों के ठहरने खाने की व्यवस्था आज उन्होंने की है। पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं। कल से फिर ये यात्रा भागलपुर सिटी होते हुए 23-24 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी।
मुझे खुशी है कि रास्ते भर लोगों का अपार समर्थन, स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिससे थकावट अपने आप दूर हो जा रही है। खतरा नहीं है, इस देश में जो घृणा की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया 2014 के बाद, उसको समाप्त करने के लिए देश में कैसे संविधान की व्यवस्था चले, कैसे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे कैसे देश को बचाया जाए, और किसानों की जो दुर्दशा है, महिलाओं की जो दुर्दशा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान आज पढ़ाई लिखाई करके भी बेकार हो रहे हैं, उनकी कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए यात्रा है, चुनाव के लिए यात्रा है। आगरा में एंथला स्ट्रीट आवासीय योजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट स्टार मार्केटिंग कंपनी ने किया और लोगों को अनेकों सुविधाओं की बात कहकर फ्लैट बेच दिए गए। जब लोगों ने बिल्डर से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो बिल्डर रजिस्ट्री करने को तो तैयार हो गए, लेकिन जो सुविधाएं फ्लैट बुक कराते समय लोगों को देने का वादा किया था वह कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो बिल्डर ने दबंगई दिखाते हुए सभी सुविधाओं से मना कर दिया। मैं यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार चक्कर काट रही हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आज हमने बहुत ही उम्मीदों के साथ मीटिंग की थी, मालिक के साथ मीटिंग थी हमारी, और प्रचारक कंपनी के साथ भी मीटिंग थी, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के बचाव में उतर आए, कोई नतीजा नहीं निकला। इन्होंने हमें कहा गरज पड़े तो ले लो आके, हमारे पास यही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। जो प्रचार इन्होंने दिखाया था उसका हमें क्या कहना है, उसके बदले में सिर्फ फ्लैट मिल रहे हैं बस। पहली चीज़ तो हम इसी पे जाएंगे, जो प्रचार हमें दिखाया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है तो हमें उसका कंपनसेट करें। वो कोई बात ही नहीं हुई है, उन्होंने हमें गरज बोल दिया, उन्होंने हमें हमारी औकात बता दी कि ये जो अफोर्डेबल फ्लैट्स जो होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले लेते हैं, समाजवादी योजना के फ्लैट हैं ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। हमने 30 लाख रुपये लगाया है और 30 लाख रुपये में ये हमें झुग्गी झोपड़ी वाला बता रहे हैं। वो 5 बजे हम लोगों से मिलेंगे और वो हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ पर उनसे बात करने के लिए आया था। जितनी भी एमिनिटीज़ हम लोगों को उन्होंने बताई थी ब्रोशर के अंदर, उन एमिनिटीज़ को हम लोगों ने यहाँ परखा और उन लोगों से हम लोगों ने उन एमिनिटीज़ को देख करके यहाँ पर उनसे बात करी। जब हम लोगों ने एक एक चीज़ करके बात करना शुरू किया कि जिम कहाँ पर है, आपने ब्लॉक उसमें कवर्ड जिम दिखाई हुई है, आपने ओपन में कुछ खिलौने से लगा दिए हैं, तो उनका कहना यह था कि भाई जो भी है वो यही है, इसमें मेरा खर्चा बहुत हो गया है। दूसरे जब उनसे बात करी, आपने हमसे कुछ पैसा लिया है, आप 25,000 रुपये की सेवा में मांग रहे हैं, आप 2,000 रुपये सिक्योरिटी किस चीज़ में मांग रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आपसे जो भी पैसा मांगा जा रहा है अगर आप देखोगे तो मैं आपको सारी चीज़ों को एक एक हिसाब दिखा दूंगा और वो खर्चा मेरा बहुत हो चुका है। ऐसे तो जो चली रही है कार्रवाई, लेकिन आज जो बिल्डर के साथ जो कार्रवाई, कुल मिला के हमें सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाया जा रहा है और हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि यही है, लेना है लो, गर्ज पड़े तो लो, अन्यथा मत। इस तरीके से पब्लिक को, उनसे हमारा सिर्फ यही अपील है कि जो नाजायज हमको पैसा लेने के बाद दबाया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है, और अगर हमारी सरकार भी नहीं सुनेगी तो हमें धरना करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ तो उनको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, अगर बिल्डर इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ेगा पैसे लेने के बाद तो एक आम जनता किसका दरवाजा खटखटाएगी। और हमें जलील करा जा रहा है बुरी तरह, और ये कहा जा रहा है कि भैया अगर हम पैसा दे चुके ये चीज़ है लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी गर्ज है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगरा में मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 5 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2023 तक एमजी रोड स्थित सेंट जॉन्स चौराहे सेंट जॉन्स ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश में खादी से बनाने वाले कपड़े बेडशीट शामिल हैं। देश के विभिन्न विभिन्न शहरों से लोग यहाँ पर दुकानें लगा रखे हैं, और वहीं पर आपको बता दें साथ ही आगरा के जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति खादी ग्राम उद्योग में पहुंचे और पूरे मेले में लगी खादी और अन्य वस्तुओं की स्टॉल का जायजा लिया। कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है वोकल फॉर लोकल, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में खादी विभाग हमारा खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता के जो खादी से बने हुए हमारे आइटम हैं वो जनता के बीच में जाए, उसकी वैरायटी क्या है, उनके रेट क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, उसके माध्यम से आम जनता को ये भी देखना पड़ता है कि खादी विभाग हमारा पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अक्सर करके सर्दियों में ये हमारी प्रदर्शनी लगती है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी अनुरोध करूँगा कि खादी को आगे बढ़ावा देने के लिए इनमें मेलों में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खादी का उपयोग भी करें, जिससे स्वदेशी को बढ़ावा मिले।
फतेहाबाद रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में 4 दिवसीय फेयर का आयोजन रेडीमेड गवर्नमेंट संगठन की ओर से गवर्नमेंट फेयर के समर कलेक्शन के आगाज के साथ आगरा इंडस्ट्रियल समिट 2023 में यूपी ग्लोबल निवेशक संवाद पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया गया। उद्योगपतियों को नए उद्योग के MU के बारे में जानकारी दी गई। 18 फरवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, उसमें स्पेसिफिकली आगरा औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने सारे एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग रखी थी और आगे वाले टाइम में एक नेक्स्ट वीक ही एक जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट होगा, जिसमें जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं वो सारे इंडस्ट्रीज तक पहुँच पाएँ और वो सारे इंडस्ट्रीज उनका फ़ायदा उठा पाए और मैक्सिमम MOUs जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन कर सकें और सरकार पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को सहयोग देने में उत्सुक है। आगरा में चूंकि टीटी गेट की वजह से ताजमहल भी होते बहुत सी इंडस्ट्री साफ नहीं है, तो किस तरह के सरकार उन इंडस्ट्रीज आगरा में डेवलप करेंगी? छोटे मझोले जो कहना चाहिए उद्योग वाले हैं, जैसे आप पत्थर वाले व्यापारी हैं या कारीगर, उनको कैसे हम ऊपर ला पाएंगे? जो हमारा विभाग है MSME विभाग, मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम उद्योग से जो रिलेटेड है, उनमें जो एक स्कीम है ODOP, वो इन व्यापारियों के लिए, इन मजदूरों के लिए, जिसमें स्टोन और मार्बल और लेदर, जिनका मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो निचले तसले से आते हैं, जो लोग मजदूरी का काम करते हैं उनके सहयोग के लिए, और TTZ के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो रिलैक्सेशन के लिए पूरी कोशिश जा रही है, और अभी शायद आपने देखा भी होगा कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को और ग्रीन परमिट मिल गया है और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि वाइट और ग्रीन दोनों कैटेगरी को अलाउ किया जाएगा। कानपुर में आशिक रानी द्वारा बच्चों का डांसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आशिक रानी द्वारा 3 साल से लेकर 15 साल के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस करके अपनी कला को प्रस्तुत किया। हापुड़ में पिलखवा पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले में चेकिंग अभियान के दौरान थाना पिलखवा क्षेत्र के अंतर्गत सिखेड़ा वाले बॉम्बे की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलेरो गाड़ी में शराब और 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 21 पेटी देसी शराब और वहीं साथ में बता दें आपको 945 शराब के पौए और 2 पेटी अंग्रेजी शराब के और वहीं साथ ही 96 अंग्रेजी शराब के पौए के साथ एक अवैध तमंचा मैं जिंदा कारतूस के बरामद किया है। थाना पिलखवा पुलिस द्वारा शराब की दुकानों में सेंध लगाकर चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा विगत समय में कपूरपुर और पिलखवा में घटनाएं कारित की गई थी। इस गिरोह के पास से एक फर्जी नंबर प्लेट का बोलेरो गाड़ी, 21 पेटी देसी शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब और 1 .315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अमेठी में एक युवक द्वारा रस्सी से बांधकर गौवंश की निर्मम पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। युवक के खेत में गेहूं की फसल खाने पर गौवंश की युवक ने जमकर पिटाई की। मामला अमेठी के शिवर तनगंज थाना क्षेत्र के पूरे लक्षण देई गांव का बताया जा रहा है।